नमस्कार। इजी खाना बनाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए ढोकला। ये लिया मैंने चावल, ये व्रत वाले चावल हैं, इसको सामक के चावल कहते हैं। एक ले रही हूँ मैं ग्राइंडिंग जार, इसको मैं इसमें डाल के हल्का सा ग्राइंड करूंगी, दर दरा पीसूंगी, जैसे सूजी होती है ना, बस वैसा ही। ये देखिए चावल हमारे ग्राइंड हो गए। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाया, इसको मैंने थोड़ा दरदरा पीस है, जैसे सूजी होती है ना, बस बिल्कुल वैसे ही। अब मैं लूंगी एक बोल, ये मैंने 1 कप चावल जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसके लिए मैं लूंगी 1 कप, उसी कप से जिससे, अगर आपके पास कप नहीं है तो जिस कटोरी से आप 1 कटोरी ले रहे हो, जिससे भी आप नाप रहे हो, जितना आप आटा चावल लोगे ना उतने ही आप दही लोगे। ये मैं डाल रही हूँ इसमें दही, और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। इसको मैं भिगो के भीगने के लिए रख दूंगी, बाद में अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। ये देखिए अभी चावल हमारे फूलेंगे तो बाद में हम देख लेंगे कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए। मैं बना रही हूँ ढोकला। ये देखिए इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स, अभी सिर्फ भिगो रही हूँ मैं, इसको फेंटूंगी बाद में, जब ये थोड़ा सा भीग जाएंगे तब मैं इसको फेंटूंगी। बस इसको मैं ढक के रख दूंगी, इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए 10 मिनट इसको हो गए, ये राइस हमारे जो राइस फ्लावर था वो अच्छे से फूल गया हमारा। ये हमने व्रत वाले चावल लिए थे, अब इसमें मैं डालूंगी, इसमें मैंने 1 कप दही ली थी, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच व्रत वाला नमक। ये है मिर्ची, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं अदरक कस के डालूंगी, अगर आपका मन है तो आप हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कस के डालूंगी थोड़ा सा, उससे इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। देखिए बस इसको मैं कर रही हूँ मिक्स, इसको मैं 2 मिनट ऐसे ही एक ही उसमें फेंटूंगी, इसको बार बार ऐसे ऐसे नहीं पलटूंगी, जिस उसमें साइड में फेंट रही हूँ बस उसी में फेंटूंगी, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा इससे। ये देखिए थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए मेरे को 2 मिनट हो गए इसको फेंटते हुए, ये अच्छे से फ्लफी हो गया थोड़ा। इसमें थोड़ी ये रागी है, आँच पे मैंने कढ़ाई रख दी है पानी डाल के, और बिल्कुल लास्ट में जब मैं इसको बिल्कुल मत पानी उबल गया मेरा उसमें, अब मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ इनो। ये अगर आप टीस्पून से ले रहे हो तो आधा टीस्पून लेना, ये मैं बहुत छोटे वाले स्पून से ले रही हूँ, और बस इसको डालते ही, पतला है इसलिए इसमें पानी एक्स्ट्रा मत डालिए, अगर आपका थोड़ा गाढ़ा है तो ऊपर से पानी डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए कैसे फूल रहा है ना, इसमें झाग आ रही है जो फ्लप, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ एक थाली जिसमें आपने ढोकला बनाना है वो लीजिए, इसको मैंने कर लिया ग्रीस, देखिए अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया इसको। अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उबलती हुए पानी में क्योंकि आप सब लोग नहीं रख सकते ना, तो आप ऐसे करें पहले कढ़ाई में जैसे इसको ट्रे को रखिए, फिर हम ऊपर से बैटर डालेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी हमारा बहुत अच्छे से उबल रहा है, अभी इसी में मैं रखूंगी ट्रे, क्योंकि अगर आप पहले से बैटर डाल के रखते हो ना तो फिर हाथ जलने का खतरा रहता है, तो आप ट्रे को ऐसे एक बार में रख दीजिए और ऊपर से आप डालिए बैटर, इससे हाथ जलने का खतरा भी नहीं होता और ये बड़े आराम से डल जाता है। कोई भी जिसको बिल्कुल जैसे कोई काम नहीं आता ना किचन में काम, वो भी इसको बना सकते हैं ऐसे डाल के, नहीं तो इसमें हाथ जलने का खतरा रहता है। इसको मैं पकाऊंगी 10 मिनट हाई पे, ये 10 मिनट में हमारा ढोकला बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ढोकले को पकते हुए हमारे 10 मिनट हो गए, ये ढक्कन आप ध्यान से उतारिएगा क्योंकि इसमें नीचे स्टीम होती है, ये बहुत गर्म है। देखिए ये हमारा अच्छे से हो गया, ये देखिए ढोकला हमारा अच्छे से पक गया है, देखिए हमारा बिल्कुल क्लीन आ रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल मुझे 10 मिनट हो गए थे इसको पकाते हुए, मैंने निकाल लिए थे। इसको मैं अभी करूंगी ठंडा, इसको अभी हम कट नहीं करेंगे, इसको फिर बाद में मैं चौंकन खाऊंगी, पहले एक बार ये ठंडा हो जाए। ये देखिए ढोकला हमारा ठंडा हो गया, अब इसको मैं कट कर लूंगी, अभी मैं निकालूंगी नहीं इसको, अभी मैं इसका बनाऊंगी चौंका ऊपर से एक तड़का। मैं इसलिए कट कर रही हूँ अभी ताकि तड़का इसके अंदर चला जाए, ये जो लाइनें बन जाएंगी ना कट करने के बाद, तड़का इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए कट कर दिया मैंने, अब मैं बनाऊंगी इसके लिए एक छौंका।
ये देखिए आँच मैंने ऑन कर दिया। ये मैंने गहरा वाला एक पैन लिया जिसमें लगाऊंगी मैं छौंका। मैंने ये गहरा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम छौंके बनाते हैं ना तो हाथों पे उस पे आपके चिमटे पड़ते हैं। ये गहरा इसलिए लिया कि आपके हाथों पे चिमटे नहीं पड़ेंगे। जो हमारा तड़का पैन होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है, उससे आपके हाथों पे स्किन पे चिमटे पड़ने का डर रहता है। तो मैंने लिया ये गहरे वाला पैन। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। मैं डालूंगी इसमें एक भर के 1 चम्मच जीरा, क्योंकि राई तो व्रत में नहीं खाते ना। ये देखिए जीरा हमारा गर्म हो गया। ये देखिए जीरा हमारा भून गया। मैं हींग वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि व्रत में हींग नहीं खाते हैं ना, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। ये मेरे लिए हरी मिर्च, इसको मैंने बीच में से स्लिट कर दिया है। 3 हरी मिर्च हैं ये डाल रही हूँ मैं। ये हम सफेद वाले तिल, ये मैंने भून के रखे हुए हैं। कच्चे हैं तो आप कच्चे ही डालिए क्योंकि मैं छौंका बना रहे हैं तो अपने आप ही भून जाएंगे। मैंने ये भून के रखे हुए थे, ये मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। अब डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता। ये देखिए कैसे ऊपर आ रहा है ना। ये अगर आप पैन छोटे वाला लेंगे ना तो ये आपकी स्किन पे आपके हाथों पे भी चिमटे लगते हैं, इसलिए मैं गहरे वाले पैन में छौंका बनाती हूँ ताकि आपके हाथों पे स्किन पे चिमटे ना पड़े। ये देखिए छौंके में छौंका बन गया हमारा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 भर के चम्मच चीनी का, ये देखिए, और 1 चम्मच भर के बड़े वाला ये डाल रही हूँ मैं नींबू का रस। साथ ही डाल दी हूँ ये 1/2 कप पानी। ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से उबल जाए। ये देखिए छौंका हमारा अच्छे से, इसमें जो मैंने पानी डाला नींबू का अच्छे से पक गया। ये देखिए जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, हमारा छौंका ठंडा हो रहा है, हम बना लेते हैं एक चटनी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 जार। इसमें ये मैं थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़ा हरा धनिया दोनों मिक्स कर रही हूँ, इसका दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये 2 हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, इसमें मैं ले रही हूँ आधे से थोड़ा कम, ऐसा ना हो ना नमक तेज हो जाए, थोड़ा सा 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, इससे डाइजेशन भी सही रहता है, इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है। ये देखिए इसमें खट्टे के लिए अगर आप चाहें तो नींबू ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 3 स्पून भर के छोटे वाले दही के। ये देखिए ये खट्टा दही नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश दही है। अब ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो ढोकला मैंने बनाया है ना, इसमें जो साइड के पीसीज है ना, ये देखिए ये ऐसे, ये थोड़े से 1-2 पीस ना मैं इसी में डाल दूंगी, इससे ना बढ़िया टेस्ट आता है, इससे चटनी हमारी गाढ़ी भी हो जाती है। ये देखिए बस ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 2 पीसीज ही डाले हैं। ये देखिए चटनी हमारी अच्छे से पिस गई है, बढ़िया। ये इसमें मैंने बिना पानी के डाली है, इसमें मैंने दही डाली थी ना तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ये देखिए बढ़िया चटनी, ये थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है क्योंकि ढोकले के साथ। ये देखिए बढ़िया सी चटनी बन गई। इसको मैं रखती हूँ साइड में, मैं निकालती हूँ ढोकला। ढोकला हमारा ठंडा हो गया, इसमें मैं लगाती हूँ छौंका। ये देखिए छौंका भी हमारा ठंडा हो गया, ढोकला भी हमारा ठंडा हो गया। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ छौंका जो मैंने तड़का इसके लिए तैयार किया। ये देखिए व्रत में आपको पूरी पराठे से जब आप बोर हो जाओ तो ये गुजराती ढोकला बना के जरूर खाना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगे व्रत का ये ढोकला। ये देखिए बढ़िया, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इस पे हरा धनिया, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसकी लुक भी अच्छी लगेगी। ये देखिए इसको 5 मिनट में ये तड़का डालने के बाद छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसको सर्व करूँगी बिल्कुल आसानी से, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। 10 मिनट इसको पकने में लगे और 5 मिनट की प्रिपरेशन थी, तो 15 मिनट में आपका ढोकला तैयार है। और ये हमारी बढ़िया सी चटनी झटपट बनने वाली, इस ढोकले के साथ ही बहुत अच्छी जाती है। इसमें आपने ना मूंगफली डालनी है, कुछ नहीं डालना। ये देखिए कितनी बढ़िया सी चटनी और ढोकला तैयार हो गया। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ढोकला कैसा लगा। तो चैनल को मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें प्लीज़। थैंक यू।